तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीधे और कहानी शुरू करते हैं। पहला सवाल यार आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा और तब बताइएगा मुझे, लिखना निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है। किसके बारे में दोस्तों? विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है ये आपको बताना, जो गलत बात हो बताना, और विस्थापन के बारे में। पहला लिख रहा दोस्तों, अच्छा विस्थापन पता किसे कहा जाता है? चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए यहां पर एक बच्चा खड़ा था राम, ठीक है, यहां पर कोई बच्चा मान लीजिए रमेश खड़ा था, ठीक है, राम बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता, ठीक है, रमेश खड़ा था और ये उत्तर दिशा की तरफ दोस्तों जाता है 5 किलोमीटर, कितना 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या करता है, यहीं से घूम जाता है, ठीक है, यहीं से दोस्तों इस दिशा की तरफ घूम जाता है, ठीक है, तो इधर घूमता है यानी अपने बाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर दोस्तों ये बाएं चला जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर से घूम जाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, वहां से फिर एक बाएं लेता है और फिर दोस्तों ये 5 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों इसके द्वारा चली गई कुल दूरी, अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर चली गई कुल दूरी की, चली गई कुल दूरी की, तो ध्यान दीजिएगा यहां चली गई कुल दूरी उसके बराबर कितना है दोस्तों? उसके लिए चली गई कुल दूरी मान लीजिए 5 5 5 5 ये हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर, कितना चला है वो 15 किलोमीटर। लेकिन याद रखेगा इसका यहां से दूरी कितना है, तो यहां से और यहां की न्यूनतम दूरी लेते हैं हमेशा, ये क्या लेते हैं दोस्तों, इसके लिए हमेशा न्यूनतम दूरी लेते हैं और न्यूनतम दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन होगा दोस्तों ये 5 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि दूरी और विस्थापन में बहुत बड़ा अंतर होता है। दूरी याद रखेगा चली गई कुल दूरी को कहा जाता है, जबकि विस्थापन कहा जाता है न्यूनतम दूरी को। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल कि अगर यह लड़का यहां से लौट आता यहां पर, ठीक, तो याद रखेगा इसके द्वारा चली गई कुल दूरी उस समय बढ़कर कितनी हो जाती दोस्तों? ये आपकी 20 किलोमीटर हो जाती, कितनी हो जाती 20 किलोमीटर। लेकिन वो फिर से यही वही स्थान पे पहुंच गया तो उसका विस्थापन कितना हो जाता? उसका विस्थापन हो जाता शून्य, कितना हो जाता दोस्तों? उसका विस्थापन हो जाता शून्य, ठीक है, क्यों? क्योंकि वह जहां से चला था वहीं वापस आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यह होता है याद रखेगा दूरी और विस्थापन की बातें, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल कह रहा है धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, एक बात बताइए क्या विस्थापन कभी जो है आपका ऋणात्मक भी हो सकता है क्या? देखिए ये जीरो तो हो सकता है, ये प्लस में हो सकता है, लेकिन क्या ये ऋणात्मक भी हो सकता है? ये ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा यही आपका जो है गलत कथन दिया जा रहा है। बच्चे अनायास का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं, ऐसे ही होता है, दिक्कतें यही होती है जब तक आप जानते नहीं है कि दूरी और विस्थापन होता क्या है तब तक। क्या ये, क्या बताइए मुझे, क्या विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, माइनस में हो सकता है विस्थापन? अरे बहुत करेगा तो जो चलने वाला व्यक्ति होगा या जो कोई कड़ पदार्थ कुछ भी होगा वो या तो उससे दूर होगा या तो उसी स्थान पे आ जाएगा, ये कैसे माइनस चला जाएगा? माइनस तो होने का सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता, सही बात है। क्या विस्थापन, क्या ये 5 किलोमीटर दूरी से ज्यादा हो सकता है? कभी जिंदगी में दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी होता है, इसलिए याद रखेगा ये दूरी से कम ही होगा, कभी ज्यादा नहीं होगा। ये तो सही कथन लिखा है ना, ये सही लिखा ना, विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं होता, सही है। आपसे पूछा जो गलत है बताइए, इसकी एसआई मात्रक क्या होता दोस्तों? इकाई मीटर इसका एसआई मात्रक होता है और यह हमेशा धनात्मक होता है, यह भी सही है। आपसे पूछा था क्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ाइए ताकि और भी बच्चे आए, जुड़े और देखें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता? बहुत ध्यान समझिएगा। मान लीजिए यहां पर कोई बच्चा था, मान लीजिए यहां पर कोई बच्चा था और इसने एक गेंद दोस्तों उठा के क्या कर दिया, फेंक दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा एक गेंद दोस्तों फेंक दिया, ये ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है, और मान लीजिए ये ऊपर गेंद गई दोस्तों, तो याद रखिएगा इससे क्या परिवर्तित नहीं होता, लिखा क्या नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का सवाल है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आप में से जो बच्चा पढ़ा होगा वही इस बच्चा का जवाब दे पाएगा इस प्रश्न का, वरना आप नहीं बता पाएंगे। और केवल ना, अब देखिए कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि परिवर्तित नहीं होता गति, यार क्यों नहीं गति परिवर्तित होगा? एक बात बताओ, बात अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर बच्चा जोर लगा के यहां से फेंका तो जिस चीज को फेंका है यहां पर गति तेज होगी, लेकिन कुछ समय बाद जाके गति कम हो जाएगी। गति कम होती है तभी तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। अगर गति बराबर रहती तो उसी दूरी पर कंटिन्यू चलता रहता, या
यानी याद रखेगा ये गति, तो गति परिवर्तित होती है याद रखेगा। और जो बच्चे दूरी लिख के भेज रहे हैं थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, दूरी भी परिवर्तित होती है। क्या यार यहां से उठा के समान वहां फेंक दिए करो, दूरी परिवर्तित नहीं होता है क्या? आप लोग बोल रहे हैं उत्तर यार, क्या बोल रहे हैं? देखिए अनायास का बच्चा उत्तर है, प्रदीप जी बता रहे दोस्तों कि स्थिति ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। अरे भाई कैसे नहीं परिवर्तित होगी यार, स्थिति ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, क्यों यहां से फेंका है, अगर परिवर्तित नहीं होती तो ये नीचे कैसे आ जाता? यानी ये जो तीनों दे रहे हैं दोस्तों ये सब के सब यहां पे परिवर्तित होते हैं। अगर कोई चीज परिवर्तित नहीं होता है तो वह है त्वरण, त्वरण स्थिर रहता है। क्या रहता है? त्वरण, त्वरण हमेशा स्थिर रहता है, त्वरण हमेशा बराबर होता है जी के, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहां पर अगर कोई भी चीज फेंका जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज फेंका जाता है ना इसका पथ कैसा होता है, इसका पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार मतलब देखिए क्यों होता है परवलयाकार, क्योंकि जब ये तेजी से जाएगा तो जब इसके अंदर गति खत्म होगी तो ये फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में चाहे आप गति की बात करेंगे, चाहे आप गति की बात करेंगे, चाहे आप स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, चाहे आप स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे या फिर आप दूरी की बात करेंगे, ठीक है, या आप दूरी की बात करेंगे, याद रखेगा ये तीनों के तीनों परिवर्तित होते हैं, तीनों परिवर्तित होते हैं एक्सेप्ट किसका, याद रखेगा त्वरण के, त्वरण को छोड़ करके बाकी सब जो है अपरिवर्तित रहते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिए, सुधारिए, गलती हो रही तो कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा ना फिजिक्स के अच्छे अच्छे लेवल के सवाल लेकर आया हूं। पढ़िए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ठीक है, देखिए जब आप राशि पढ़ते हैं तो राशि में दो बातें पढ़ते हैं, ठीक है, एक पढ़ते हैं दोस्तों सदिश राशि और एक पढ़ते हैं दोस्तों अदिश राशि। क्या क्या पढ़ते हैं? सदिश और अदिश। आज मैं सदिश अदिश का काम ही खत्म कर देता हूं, कभी जीवन में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सदिश मतलब सदिश, स माने साथ, दिशा माने दिशा, ठीक है, दिश माने दिशा। तो याद रखिएगा जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं, और जिसमें याद रखिएगा केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उसे अदिश कहा जाता है। क्यों? अरे उसके नाम में लिखा अदिश, मतलब दिशा को यहां लेके मत आओ, ये तो साफ साफ लिखा है। अब बात आता है सदिश में आता कौन कौन है, ठीक है, सदिश में आता दोस्तों भार, ठीक है, पहला लिखिए भार, दूसरा लिखिए दोस्तों दूसरा लिखिए वेग, ठीक है, वेग, तीसरा लिखिए इसी वेग से बना लीजिए संवेग, ठीक है, इसी संवेग से बना लीजिए दोस्तों कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग, ठीक है, इसी कोणीय संवेग से बना लीजिए दोस्तों रेखीय संवेग। क्या बना लीजिए? रेखीय संवेग, ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं, वेग कहिए संवेग कहिए, ये वह वाले को छोड़िए मत, वह से पकड़ लीजिए दोस्तों विस्थापन, वह से पकड़ लीजिए विस्थापन, वह से पकड़ लीजिए दोस्तों वह को ब बना के बल कर लीजिए, ठीक है, याद रखेगा ये केवल भार आप अलग से लिखिए, फिर वेग संवेग कोणीय संवेग रेखी संवेग विस्थापन बल, ठीक है, और लीजिए त्वरण, त्वरण, ठीक है, त्वरण, ये सभी क्या कहलाता है दोस्तों? ये सभी जो होता है ये सभी सदिश राशियां कही जाती हैं। क्या कही जाती है दोस्तों? इनको सदिश। इसी वेग से दोस्तों एक और लिख सकते हैं आवेग। क्या लिख सकते हैं? आवेग। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा ये सारी चीजें जो मैं लिखा हूं दोस्तों ये परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो याद रखिए इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है। क्या कहते हैं? सदिश राशि। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहां उत्तर क्या होगा? सदिश राशि। लेकिन आप इधर देखिए ध्यान से अदिश में क्या क्या रखते हैं, ठीक है, तो अदिश की शुरुआत करते दोस्तों उष्मा से। आप याद रखिएगा अदिश में रखिए उष्मा को, अदिश में रखिए दोस्तों चाल को, ठीक है, अदिश में रखिए चाल को, ठीक है, और रखिए दोस्तों कार्य को, कार्य को रखिए, फिर रखिए दोस्तों समय को, कार्य समय, दूरी मत करेगा, ठीक है, कार्य समय को रखिए, ठीक है, कार्य समय, दूरी भी रखिए, कार्य समय दूरी, चार टाइम स्पीड डिस्टेंस जो आप पढ़ते हैं दोस्तों ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये दूरी मैं सोचा बाद में कराऊंगा, ये अदिश होता है, ठीक है। इसके अलावा आप रख लीजिए दोस्तों आयतन को, किसको रख लीजिए? आयतन को। आखिरी में दोस्तों आप रख सकते हैं तापमान को, तापमान को, ठीक है। तो ये सभी जो चीजें हैं दोस्तों याद रखेगा ये अदिश राशियां होती है, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। समझ में आया कि नहीं आप सभी को? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये आपका कोणीय संवेग आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सदिश राशि है, बाकी में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं, ठीक है, आगे का सवाल पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं हो बताइए। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से दोस्तों वायुमंडल का जलवाष्प मापा जाता है, या आप इसको शॉर्टकट में कहते हैं इससे आर्द्रता का मापन किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। लैक्टोमीटर, ये तरल का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध की सांद्रता को मापा जाता है, दूध की सांद्रता को मापा जाता है, और इसी से पता चलता है दोस्तों कि दूध में पानी की मिलावट कितनी है, ठीक है, तो आपका गलत दिया था। एनीमोमीटर
मीटर से वायु की गति, हवा की गति और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दो यहां पर क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। बाकी जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपके क्या है, सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो सीधा सीधा बोलो ना, जो सदिश नहीं है वो क्या होगा, आपसे पूछ रहा दोस्तों कौन सी अदिश राशि है। ठीक है, अभी पीछे पढ़ाया, बताया था वह से विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, सदिश होता है। वह को वेग कर लिया दोस्तों, वेग भी क्या होता है दोस्तों, यह भी आपका सदिश होता है। ठीक है, वेग भी क्या हो जाता है, सदिश होता है। अरे वेग ले लीजिए, संवेग ले लीजिए, आवेग ले लीजिए, कोणीय संवेग ले लीजिए, रेखीय संवेग ले लीजिए, ये सब क्या होते हैं, यही होते हैं। बल भी दोस्तों क्या होता है, यह भी आपका सदिश राशि होता है। सिर्फ आयतन ही ऐसा है दोस्तों जो आपका अदिश राशि होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर फोर जिन बच्चों ने चूज किया उनका जवाब सही है। आप देखिए, आपकी परीक्षा में अगर फिजिक्स में सब सवाल बनते हैं तो आप करके आओगे। एक बार वीडियोस को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। आप देखिए क्वालिटी देखिए, किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, केवल उत्तर मत जानो, उसके बारे में जानो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि भविष्य में कभी क्वेश्चंस आपसे बने ना तो आप समझ पाओ कि हाँ इसका इस उत्तर इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है स्टेथोस्कोप, बताइए मुझे स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं, ये जो डॉक्टर अपने मतलब लेके घूमते रहते हैं, कान में लगाते हैं, हृदय पे लगाते हैं, आवाज सुनते हैं, लबडब की ध्वनि सुनते हैं, यही क्या होता है दोस्तों, यही होता है स्टेथोस्कोप। तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्फिग्नो मैनोमीटर का इस्तेमाल दोस्तों ये ब्लड प्रेशर को मापने में किया जाता है, जो डॉक्टर यहां लगा के आपको ब्लड प्रेशर मापते हैं, ये होता है स्फिग्मैनोमीटर। ठीक है, कैरेटोमीटर से दोस्तों याद रखिएगा शुद्ध की सोने की शुद्धता को मापा जाता है, लक्स मीटर से ये प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। यहां बनेगा दोस्तों 3, 4, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 1, तो 3, 4, 2, 1 आप ढूंढिए और आप कर लीजिए सही उत्तर। यानी ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाएगा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर का उत्तर क्या है, आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, एक बार फिर से आपको सही सुमेलित करने के लिए दिया, आइए सुमेलित करते हैं दोस्तों एक एक सवाल को इत्मीनान से। ठीक है, पहला लिखा जूल, जूल दोस्तों जूल किसका मात्रक होता है, तो आप पढ़ते हैं दोस्तों जूल जो होता है दोस्तों एक कार्य का मात्रक, याद रखिएगा जूल एक कार्य का भी मात्रक है और जूल दोस्तों ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है, दोनों का याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एंपियर याद रखिएगा ये धारा का मात्रक होता है। ठीक है, वाट दोस्तों याद रखिएगा ये सामर्थ्य का मात्रक, इसका सामर्थ्य संबंधित होता है। वोल्ट याद रखिएगा दोस्तों ये विभवांतर से, और कैलोरी याद रखिएगा ऊष्मा से। ठीक है, तो एक बार मैचअप कराइए दोस्तों, बनेगा 3, बनेगा 1, 2, 4 और 5। ठीक है, 3, 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5 यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही उत्तर बन रहा है। ठीक है, खूब मिलान करिए और तेजी से करिए, जितना तेजी से कर सकते हैं वैसे करिए। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे हैं ना, कॉपी कलम लेके बैठिए। देखिए, विश्वास करिए, भरोसा करिए, स्टडी 91 के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो अभी तक मैं बहुत दिनों से जीएस नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि मैंने एक बार पूरा क्या किया, पूरा विषय आपको पढ़ा दिया, पूरी फिजिक्स पढ़ा के खत्म कर दिया हूं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी स्टडी 91 की, ठीक है, आप जाके देख लीजिए। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप लिखिए फिजिक्स स्टडी 91, केमिस्ट्री पढ़ना है तो लिखिए केमिस्ट्री स्टडी 91, पूरा पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी सब पढ़ाई गई। तो उसके बाद दोस्तों मैंने मतलब मैं स्टार्टिंग में 2-3 साल में मैं पूरे विषय पढ़ा के खत्म कर दिया, उसके बाद जीएस से मैंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, कुछ समय के लिए आ गया मैं कुछ ऐसे विषय को पढ़ने जो मैं नहीं पढ़ता था। ठीक है, तो नए नए काम को लेकर शुरू कर दिया और एक बार फिर से अब रिटर्न हो चुका हूं मैं अपने जीएस को लेकर। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिएगा आपको लगेगा कि वाकई जीएस में अगर स्टडी 91 के हम लोग प्रैक्टिस सेट को देख लिए या इस तरह की चीजों को हमने पढ़ लिया तो फिर इससे ज्यादा बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों अगला सवाल, पढ़िए। लिख रहा दोस्तों शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, न्यूट्रॉन कोई मात्रक उत्तरक नहीं होता। तो याद रखे दोस्तों शक्ति का मात्रक पूछा आपसे, एकदम सिंपल साधारण, ठीक है, बताएगा दोस्तों वाट होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़िए। कह रहा है 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन दोस्तों किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 का, मतलब किसी एक चीज का 1000वां भाग। ठीक है, ये कहा जाता है दोस्तों 1 माइक्रोन। ठीक है, किसी चीज का 1000वें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। तो याद रखे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 याद रखेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 माइक्रोन कहा जाता है। आगे बढ़िए, कह रहा है सीटी स्कैन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सीटी स्कैन में बताइए किसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था
2011 में, तो बताइए दोस्तों ये सीटी स्कैन में किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले बताइए सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, बताइए टोमोग्राफी होता है, ठीक है, पूरा नाम बताना दोस्तों इस सीटी स्कैन को क्या कहा जाता है, टोमोग्राफी, यानी इसका पूरा नाम है दोस्तों कंप्यूटर हो जाता है, कंप्यूटर मत बोलिएगा कंप्यूटेड बोलिएगा, क्या बोलिएगा कंप्यूटेड, क्या बोलेंगे दोस्तों कंप्यूटेड कंप्यूटेड कंप्यूटेड, और टी माने जाता है दोस्तों टोमोग्राफी, ठीक है, तो याद रखिएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहा जाता है। और इस कंप्यूटेड टोमोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में पता चलता है, और इसमें एक्सरे किरणों का इस्तेमाल होता है, किसका, एक्सरेज का इस्तेमाल होता है, बाकी के ऑप्शन गलत दिए गए दोस्तों, एक्सरे का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कर आंतों के रोग के निदान में कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल करेंगे तो पार हो जाएंगे, ठीक है, यहां भी आपका जो है आंत संबंधी जो रोग होते हैं उनसे लिए भी आपका एक्सरेज किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दोनों के लिए दोस्तों एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और पढ़िए, कह रहा है दो उत्तरोत्तर श्रृंग, श्रृंग पहली बात ऐसे लिखा जाएगा, सही कर लीजिए श्रृंग, ठीक है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग ये होता है श्रृंग, ठीक है, और याद रखेगा दोस्तों ये, ठीक है, ये होता है देखिए श्रृंग, यानी जो जो ऊपर जो वाला हिस्सा होता है दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको श्रृंग कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको श्रृंग कहते हैं, और इसको दोस्तों गर्त कहते हैं, इन्हीं के बीच की जो दूरी होती है दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आयाम और आवृत्ति के चक्कर में पड़िएगा, कई सारे बच्चे सोचेंगे ऊपर नीचे जा रहा है तो आवृत्ति है क्या, आवृत्ति नहीं होगी दोस्तों, याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य यहां पर आएगा और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ में आप सभी को, चलो आ जाओ और आगे करते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती, ठीक है, कौन सी तरंगे हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, शून्य का तात्पर्य क्या है, तो शून्य का तात्पर्य दोस्तों निर्वात, कौन सी तरंग ऐसी है जो निर्वात में नहीं चलती है ये बताना है, ठीक है, तो याद रखे दोस्तों निर्वात में कभी भी ध्वनि तरंगे नहीं चलती है, ठीक है, याद रखेगा दोस्तों जो तरंग की बात करूं तो तरंग दो प्रकार की होती है, ठीक है, तरंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की होती है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, प्रकाश है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, अनुप्रस्थ में देखिए प्र से प्रकाश ले लीजिएगा, ठीक है, और अनुदैर्ध्य का इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों, ये आपका ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और याद रखिएगा अनुप्रस्थ तरंगे हमेशा सीधी चलती हैं, ठीक है, और ध्वनि तरंगे याद रखिएगा ये सीधी के बजाय ये चारों तरफ चौतरफी गमन करती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, लेकिन इनके चलने के लिए आपको कम से कम कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, शून्य में संचरण नहीं कर सकती, यही वजह है कि चंद्रमा पे अगर विस्फोट हो या सौरमंडल में कहीं भी विस्फोट हो तो उसका आवाज इस धरती तक सुनाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि बाहर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो इनका संचरण भी नहीं होगा, यह भी आप याद रखेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां पर ध्वनि जो दिया है यह आपका सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है दोस्तों, वैसे तो ध्वनि का वेग अगर अधिकतम पूछेगा तो याद रखेगा अधिकतम होता है ठोस में, अधिकतम कहाँ होता है दोस्तों, अधिकतम वेग होता है इसका ठोस में, ठीक है, और एक बात बता दूं, ध्वनि का वेग डिपेंड करता है घनत्व पे, किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये घनत्व पे डिपेंड, जिसका घनत्व जितना ज्यादा रहेगा, जिसका घनत्व जितना ज्यादा रहेगा याद रखेगा ध्वनि का वेग उतना ही ज्यादा रहेगा, ध्वनि का वेग उतना ही ज्यादा रहेगा, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर घनत्व ज्यादा है तो वेग भी ज्यादा, ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों यहाँ ठोस का तात्पर्य धातु मत लगेगा, वैसे यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इन देखिए निर्वात में तो ध्वनि का होता ही नहीं है, धातु में मत करेगा, द्रव से ज्यादा तो एक दोस्तों यहां पर ये जो चार है इन चारों में वायु में सबसे ज्यादा वेग होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा वेग कहां होता है दोस्तों, अभी जो ये चार दे रहे हैं दोस्तों इस चार की बात कर रहा हूं तो इसमें वायु कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा सवाल हो जाएगा, अच्छा कितना होता है दोस्तों, मान लीजिए पूछ दे वायु में कितना वेग होता है तो क्या बताएंगे, 331 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, कितना 331 मीटर प्रति सेकंड, ये वायु की स्पीड होती है किसमें, याद ध्वनि की स्पीड होती वायु में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेगा, ये ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर क्या कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलो आ जाओ ये सवाल पढ़ो, मुझे उम्मीद है कि आप गलत ही करोगे, सही कर नहीं सकते, गलत ही करोगे, तो जरा मुझे बताइएगा, ठीक है, जरा मुझे बताइएगा, ठीक है, कई सारे बच्चे डी बोल रहे हैं, क्या नहीं, डी नहीं होगा, ठीक है, वायु में कैसे, एक बार समझा दीजिए, अरे यार हम आपसे बात कर रहे हैं, वायु है तभी तो सुनाई दे रहा है, आपने घर में बोलते होते दूसरे को सुनाई देता है कि नहीं, हाँ, तो वायु में संचरण किस पे, वायु की वायु में बताइए गति है कि नहीं, ठीक है, और वो सामान्य ताप और दाब पे बता रहा था, 331 मीटर प्रति सेकंड जो स्पीड है वो ताप और दाब जब सामान्य रहेगा तब की बात हो रहा है, ठीक है, कोई स्पेशल केस मत ला दीजिएगा वहां पे, ठीक है, चलिए आ जाइए, समझ नहीं आया, प्रदीप गुले जी मुझे एक बार बताइए क्या समझ में नहीं आया, एक बार साफ तौर बोलिए, समझ में नहीं आया तो मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सुनिए पीछे आ जाता हूं बताता हूं, सुनो,
क्या लिखा है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। वैसे ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ठोस में, ठोस में। और ठोस का मतलब क्या है, ठोस का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी ले लिया, मान लीजिए कोई लोहा ले लिया, ठीक है, तो जिसका घनत्व जितना ज्यादा होगा उसमें ध्वनि की वेग उतनी ही ज्यादा होती है। ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां पर इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। और धातु बोलेंगे तो धातु में बहुत तरह के धातु होते हैं, हर धातु में ध्वनि का वेग नहीं होता है। आपसे पूछा है ये जो चार है इन चारों में अधिकतम किसमें है, तो इस चार में अधिकतम तो वायु में है। कैसे वायु में है, आप अपने घर में अपने भाई से अपने माता पिता से बातचीत कर पाते हैं तो ये वायुमंडल है, तभी तो बातचीत कर पा रहे हैं, तभी तो जो है यहां से वहां जा रहा है। भाई लोहा होता लेकिन क्या लोहे का ऑप्शन है, लोहे का ऑप्शन नहीं है ना। और जब ऑप्शन नहीं तो कैसे अपने मन से ऑप्शन चूज कर लें, तो इन्हीं चारों में बताएंगे ना, इसको याद रखेगा, ठीक है। ठीक है सर जी, बुक में निर्वात दिया, ध्वनि का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, पगला गए क्या, ध्वनि का वेग निर्वात में शून्य होता है, निर्वात में ध्वनि का वेग ही नहीं होगा। जिस किताब में दिया फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं सुनिए समझिए बताइए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अगला सवाल करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए कई सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, ये सही नहीं होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बताया है आइए चेक करते हैं फिलहाल कि क्या होगा, ठीक है। वैसे मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि अभी पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। लिख रहा दोस्तों एयर कंडीशनर मतलब क्या है, एसी, ठीक है, एसी। और एयर कूलर मतलब सीधा कूलर की बात कर रहा है, दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं। क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि दोनों क्या करते हैं दोस्तों, दोनों टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। अरे भाई जब आपको गर्मी लगती है तो या तो आप अपने घर में एसी लगाते हो या तो कूलर लगाते हो, तो दोनों टेम्परेचर ही तो मेंटेन करते हैं। तो पहला वाला तो सही है, आपसे पूछा दोस्तों कौन सा सही नहीं है, ठीक है। दूसरा लिख रहा है एसी और कूलर दोनों आर्द्रता को भी नियंत्रित करते हैं, आर्द्रता यानी जो इस वायुमंडल में नमी है, क्या दोनों नमी को भी मेंटेन करते हैं, नहीं। याद रखेगा ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया था वो जरा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए अब एक लोग पूछ रहे 331 और 332 दोनों है क्या, भाई जो रियल हो 331 है। अब किताब क्या करती है, एक आग दो बढ़ा देती घटा देती है, ठीक है, तो आप उसको याद रखिए। रियल आंकड़ा क्या है, 331 मीटर प्रति सेकंड, जो मुझे पता है, ठीक है, जो मुझे पता है। यहां पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, याद रखे दोस्तों जो एसी होता है ये आर्द्रता तो मेंटेन करती है, यह आर्द्रता यानी आप कह सकते हो जो नमी है वो तो मेंटेन करती है, क्योंकि एसी में बैठने के बाद क्या शरीर में नमी रहती है, नहीं। लेकिन कूलर जो दोस्तों ये आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे होगा। तीसरा लिख रहा है एयर कंडीशन आर्द्रता को नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता, ये तो सही लिख रहा है। आपसे आपको बताना था गलत क्या है, आपको बताना था गलत क्या है। चौथा दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, भाई गति को नियंत्रित करते हैं, हवा तेज देना धीमे देना तो उनकी क्वालिटी होती है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। याद रखेगा दोस्तों मैं कई बार कहता हूं, मैं रोज अलग अलग विषय को इसलिए लेकर आता हूं, जिस दिन मैं हिस्ट्री लेकर आता हूं पूरा हिस्ट्री दे दिया आपको, तो आप भी ना आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका कमांड होने लगता है। उसी तरह से देखिए यहां पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबके क्वेश्चन में आज लेकर आया हूं और सब आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों पूरी साइंस पर एक बार आपकी नजर पड़ जाएगी। कल दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट पढ़ेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट नहीं पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि सबसे कमजोर विषय आपका वही होता है, उसे तो आपको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आइए और पढ़िए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और, जिस बच्चे को लगता है कि मेरा साइंस बहुत तेज है ना, समझ लो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। पंखा क्या नियंत्रित करता है, पंखा भी हवा टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन वही है, अरे गर्मी, एक बात बताओ अगर कमरे में पंखा ना चले तो हवा क्या नियंत्रित करेगा, पंखा चलोगे तो हवा ही चलेगा ना, तो याद रखेगा वही तो नियंत्रित करेगा। क्या अर्जुन भाई कैसी बातें करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। करंट अफेयर की बुक कब लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, बहुत जल्द आ रही है, मुझे समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, देता हूं आपको, ठीक है। चलिए एक दिन कंप्यूटर का क्लास भी ले लीजिए, ठीक है, ले लेते हैं। चलिए पहले इसको देख लीजिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है, मान लीजिए कर एयर में क्या बढ़ जाए दोस्तों, एयर में तापमान बढ़ जाए, मतलब सीधे सीधे बोलो ना कि यदि हवा गर्म हो जाए, ठीक है, हवा गर्म हो जाए तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बताइए। अगर हवा भी गर्म हो जाएगी तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है ना, अगर भाई आप पढ़ते हो ना कि अगर हवा गर्म होती है
हवा गर्म होती है, जैसे आप पानी को गर्म करो ना, पानी को गर्म करेंगे तो दोस्तों जलवाष्प क्या होता है, धारण करने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो हवा जितनी ज्यादा गर्म होगी ये जलवाष्प उतना ज्यादा ये ग्रहण करेगी, ठीक है। और हवा जैसे जैसे ठंडी होती है फिर वो जल की बूंदें जमीन पर आ जाती है वर्षा बन करके, ठीक है। तो याद रखेगा ये बढ़ती है, यानी जब हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी जो होती है दोस्तों वह भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने चूज किया उनका जवाब सही है, बाकी बच्चों का जवाब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और झटका वाला क्वेश्चन देते हैं, मुझे उम्मीद है आप सभी मिलजुल कर इसको गलत करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है, आप सभी मिलजुल कर इसको गलत करेंगे, चलिए आज ये गलत करिए दोस्तों। सवाल क्या पूछ रहा है, कर रहा है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन 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 बताइए मुझे, लंबाई बढ़ती है लेकिन चौड़ाई का क्या होता है, चौड़ाई अप्रभावित रहती है मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता, अपरिवर्तित रहती है, घट जाती है, बढ़ती है या फिर अव्यवस्थित होती है, जल्दी से बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल नंबर 17, ठीक है, सवाल नंबर 17। सर सीटेट के सीडीपी की भी क्लास लीजिए, ठीक है। देखिए सीटेट के लिए सीडीपी की क्लास जो चल रही है दोस्तों सुभाष सर ले रहे हैं, ठीक है, दोपहर में 3 बजे उनकी क्लास चलती है, आप आइए क्लास लीजिए, बहुत मजा आएगा। इकोनॉमिक्स की क्लास भी चलेगी, पहले जो मैं पूछा वो बताइए, ठीक है। देखिए बहुत सारे गुप्ता जी का उत्तर आ गया, घटती है, घटती है, अप्रभावित रहती है, बहुत यार हमने तो पहले ही वादा किया आपसे, ठीक है, कि हम लोग दोस्तों इसको मिलजुल के गर्म करेंगे, मतलब क्या करेंगे, गर्म करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है, हम लोग इसको मिलजुल कर क्या करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं, अगर एक प्रश्न साइंस का आपसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए ना तो एक नंबर आप लेके आओगे नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, खो के आओगे, क्यों, क्योंकि ना तो अप्रभावित रहती है ना ही घटती है और ना ही अव्यवस्थित रहती, होता क्या दोस्तों, याद रखिएगा, अगर शीशे की छड़ को भाप में रखा जाता है तो याद रखिएगा उसकी लंबाई भी बढ़ती है और उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, दोनों बढ़ती है दोस्तों। ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए इतना डिफिकल्ट बना के दिया गया, याद रखिएगा अगर शीशे की छड़ भाप में रखी जाएगी तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है, ए मत कीजिएगा, ठीक है, ए मत कीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये बढ़ा तो याद रखिएगा चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, इसको याद रखिएगा। सीधे सीधे पता क्या बोलते हैं, सीधे सीधे ये ना बोल करके एक लाइन का दे देता दोस्तों, व्यास में वृद्धि होता है, क्या होता है दोस्तों, उसके व्यास में वृद्धि होता है, एक लाइन की बात, ठीक है, अब व्यास में तो आप दोनों काउंट करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप गलती मत कीजिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, कर बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, मतलब मान लीजिए कोई पेय पदार्थ है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है या आपके लेवल पे दोस्तों कुछ बियर वियर की बातें कर लेते हैं, ठीक है, या विस्की की बात कर लेते हैं, आपका लेवल नहीं यार, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसमें अगर बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाता है तो होता क्या है, लिख रहा दोस्तों, कर बर्फ का टुकड़ा उस पेय को ठंडा बना देता है, ठीक है, कैसे ठंडा बना देता है, उसका वजह क्या लिख रहा है, कर बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। देखिए होता क्या है, बर्फ का टुकड़ा डालते हैं ना तो एक खासियत होती है, ठीक है, जो उष्मा होता है दोस्तों, उष्मा की खासियत होती है कि उष्मा ठंडी की तरफ से दोस्तों गर्म की तरफ जाती है, किसकी तरफ जाती है, ठंडे से गर्म की तरफ जाती है, ठीक है, ठंडे से गर्म की तरफ, ठीक है, या आप कह सकते हैं सामान्य टेम्परेचर की तरफ आती है। तो ये जो बर्फ होता है ये पिघलने लगता है और पेय से गुप्त उष्मा लेता है, बदले में अपनी ठंडक जब छोड़ता है तो उसी से पेय पदार्थ आपका ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक दोस्तों कर लीजिएगा कि ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी क्या है दोस्तों, ये आपकी सही बताई गई, ठीक है। तो ये आप दीजिएगा, आगे पढ़िए, कर लेड पेंसिल में दोस्तों क्या होता है, केमिस्ट्री का सवाल यहां से है, ठीक है। कर लेड पेंसिल, याद रखिएगा ये पेंसिल होती है, पेंसिल, तो पेंसिल में दोस्तों जो अंदर का ब्लैक वाला ये होता है, ठीक है, ये लेड पेंसिल में होता क्या है, लिख रहा है शीशा होता है, शीशे का ऑक्साइड होता है या ग्रेफाइट होता है या शीशे का सल्फाइड होता है। तो याद रखिएगा पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, कैसे याद रखेंगे, हमेशा छील-छील करके इससे क्या कराते हैं, आप फाइट कराते हैं, फाइट कराते टूट जाती है, फिर छीलते हैं, फिर टूटती है, फिर छीलते हैं, तो ऐसे करके याद रखिएगा शीशा उसा की बात मत करेगा। इस लेड पेंसिल में क्या होता है दोस्तों, इस लेड को देख करके लोग समझेंगे क्या होता है, शीशा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ग्रेनाइट अलग अलग चीजें हैं, ये ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, शीशा नहीं। देखिए फिर भी कुछ बच्चे शीशा जवाब दे रहे हैं, शीशा मत करेगा दोस्तों, ग्रेफाइट करेगा, यहां ग्रेफाइट आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक एक सवाल ध्यान दीजिएगा और करते चलिएगा, ठीक है। यहां क्या बताना भाई, औद्योगिक प्रक्रम है और कौन सा उद्योग किससे संबंधित, तो यह बताना, ठीक है, भंजन, प्रगलन,
हाइड्रोजनीकरण और वल्कनीकरण। ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है, अपने आप में बहुत डिफिकल्ट और बहुत मजेदार सवाल भी है दोस्तों। आपको बताना है कि ये किसका संबंध किससे, किस उद्योग में किसका संबंध है, ये बताना है, ठीक है। जैसे मैं यहां भंजन की बात करूं, देखिए भंजन किया जाता है दोस्तों पेट्रोलियम उद्योग में, ठीक है। प्रगलन यानी गलाने का काम दोस्तों तांबा उद्योग से संबंधित है। प्रगलन माने क्या होता है, गलाना, ठीक है, ये ताम्र उद्योग से। हाइड्रोजनीकरण दोस्तों ये संबंधित आपके खाद्य वसा से, ठीक है। अरे भाई नाम नहीं सुना, ये जो डाबर डाबर कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, डालडा घी वगैरह है, ठीक है, ये हाइड्रोजनीकरण सिद्धांत पर ही तो काम करता है, बनाया जाता है, याद रखेगा, ठीक है। और वल्कनीकरण दोस्तों ये किया जाता है रबड़ का। तो यहां बनाएगा दोस्तों 2, 3, 4 और 1, ये आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य दिया गया। बाकी के जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों वो आपके गलत दिए गए, तो समझिएगा इसको, ठीक है। चलिए, इसकी संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। तो याद रखेगा, जब प्रोटॉनों की संख्या समान हो गई तो ये क्या हो गए, ये समस्थानिक हो गए। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाती तो ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये आपको दिख भी रहा है, जब प्रोटॉनों की संख्या समान हो जाए तो समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, समस्थानिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। करा, इनमें से विरंजक की तरह कौन कार्य करता है, विरंजक, याद रखेगा, विरंजक क्या नहीं होता दोस्तों, याद रखेगा, विरंजक मतलब याद रखेगा गंदे, मतलब गंदगी को हटाने के लिए दोस्तों कौन काम करता है, तो याद रखेगा इसके लिए काम करता है क्लोरीन। कौन काम करता है, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन अगर कपड़े पर किसी भी तरह का दाग लगा होता है, किसी तरह का रंग लगा होता है, तो उसको छुड़ाने का काम करता है, तो क्लोरीन दोस्तों याद रखेगा यह विरंजक की तरह कार्य करता है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही नहीं है, ठीक है। आयोडीन आप जानते हैं, आयोडीन की कमी से घोंघा नामक रोग होता है। ब्रोमीन दोस्तों, ब्रोमीन और पारा दो ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्य तापमान पर दोस्तों लिक्विड अवस्था में रहते हैं, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फ्लोरीन को सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील के तौर पर देखा जाता है, उसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से रखेगा। लिख रहा है लैमिनेरिया नामक शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लैमिनेरिया नामक शैवाल से क्या मिलता है दोस्तों, इस शैवाल से मिलता आयोडीन। क्या मिलता है दोस्तों, इस शैवाल का इस्तेमाल हम रासायनिक तौर पर भी करते हैं और इससे पाया जाता आयोडीन। क्या मिलता है, आयोडीन, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। कई बार आपसे पूछता है इसके बारे में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है फ्लोरीन का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। फ्लोरीन का इस्तेमाल दोस्तों किसमें करते हैं, तो याद रखिएगा फ्लोरीन का निर्माण किया जाता है दोस्तों, आप जानते हैं जो ये आपके बर्तन होते हैं, ठीक है, ये नॉनस्टिक जो बर्तन होते हैं, जो नॉनस्टिक बर्तन होते हैं दोस्तों, नॉनस्टिक बर्तन पर दोस्तों जो कलई किया जाता है ना, जो कोट किया जाता है दोस्तों, वो टेफ्लान की कोट चढ़ाई जाती है, ठीक है। टेफ्लान की कोट चढ़ाई जाती है और उस टेफ्लान के कोट में दोस्तों इस फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और याद रखें दोस्तों, ये पीड़ानाशक दवाएं, ये तो आप जानते हैं, पैरासिटामॉल वगैरह या फिर और ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये ब्लीचिंग पाउडर असुर गैस नहीं होगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों ये भी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे लिख रहा है केसिका गुच, ठीक है, और बोमेंस कैप्सूल, ये शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। केसिका गुच और बोमेंस कैप्सूल ये कहां पाए जाते हैं, लिख रहा है दिल में, गुर्दा में, फेफड़ा में या जिगर में, कहां पाए जाते हैं, तो याद रखे दोस्तों ये पाया जाता है किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी या जो गुर्दा होती है हमारी, ठीक है, याद रखेगा इस गुर्दे में ये बोमेंस कैप्सूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, ये बोमेंस कैप्सूल पाए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। यही दोस्तों किडनी क्या करता है, जितने भी टॉक्सिन होता है उसको छान करके अलग करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। बोमेंस कैप्सूल, ये सब पढ़ाया हूं बायोलॉजी में आकर आपको, आप चाहें तो जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। कर, मूत्र त्याग करने से पहले मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में वह मूत्र संग्रहित रहता है, कहां जाकर वह मूत्र स्टोर रहता है, आपको बताना है। तो लिख रहा मूत्र वाहिनी में। देखिए मूत्र वाहिनी सिर्फ क्या होता है, एक वेसल्स होती है जहां से यह मूत्र इस मार्ग से होकर गुजरता है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल दोस्तों ये आपके किडनी से संबंधित है, ठीक है, ये आपके किडनी से संबंधित है, तो यहां इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपके किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। मूत्र मार्ग, वही कहता है मूत्र वाहिनी, याद रखेगा महिलाओं में होता है, वैसे ही पुरुषों में मूत्र मार्ग होते हैं, याद रखेगा। यहां याद रखेगा जाकर के मूत्राशय में जो होता है स्टोर रहता है, जिसे हम ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किस कोशिका में जन्म के पश्चात कोई विभाजन नहीं होता, ठीक है, जितना विभाजन होना रहता है दोस्तों जन्म के पहले हो जाता है, उसके बाद विभाजन नहीं होता, उसे कहा जाता है न्यूरॉन कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूरॉन कोशिका, जिसका विभाजन याद रखेगा जन्म के बाद नहीं होता, न्यूरॉन। सबसे बड़ी जो तंत्रिका तंत्र है दोस्तों इसी संबंधित है, याद रखेगा, ठीक है। और इसी संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, न्यूरोलॉजी, ठीक है। आप कहते हैं ना जा रहे न्यूरोलॉजी के डॉक्टर को दिखाने, तो याद रखेगा यह चैप्टर भी आपको पढ़ाया गया, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है गुस्से पर कौन नियंत्रण रखता, अगर मस्तिष्क जो आगे वाला है, पश्च जो पीछे वाला है। पीछे वाला तो गुस्से को बढ़ा देता है, साउथ इंडियन मूवी देखते हैं जब लड़ाई होती है तो ऐसे लुंगी लपेटता है और ये पीछे मारता ताड़ ताड़, ये क्या करता है गुस्से को बढ़ाता है, और आगे वाला जो हिस्सा था गुस्से को ठंडा करता है, लोग कहते हैं ना। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों कि हमने गलती कर दिया, मतलब अब उसको पछतावा हो रहा होता है। तो याद रखें गुस्से पर नियंत्रण कौन करता है, ऐसे करके याद रखेगा, गुस्से पर नियंत्रण करता है दोस्तों अग्र मस्तिष्क। ठीक है, नियंत्रण की बात कर रहा है, लाने की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गुस्से पर नियंत्रण का काम कौन करता है दोस्तों, ये अग्र मस्तिष्क करता है। इसको भी आप याद रखेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, थोड़ा तेजी से करते हैं। ठीक है, याद रखेगा अग्र, नहीं मध्य उद्य मत करेगा दोस्तों, मध्य करेंगे गड़बड़ हो जाएगा, बाद में कहेगा नहीं कि नितिन सर ने बताया नहीं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, तो आप याद रखिएगा लौह। लोहा इतना ज्यादा तो पाया नहीं जाता है, वैसे लोहा कहा जाता है आयरन को, और जितनी भी हरी साग सब्जियां होती हैं उनसे हमें आयरन की पूर्ति होती है। सबसे ज्यादा आयरन मिलता है हमको साग से। ठीक है, साग जो होता है ना, पालक वगैरह चौराहे, वहां सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिख रहा है सोडियम से, सोडियम भी इतना ज्यादा नहीं है, एने बहुत लिमिटेड मात्रा में जाता है, आयोडीन भी। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो इन चारों में लिखा गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी किसे कहा जाता है। ठीक है, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी की बात कर रहा है। ठीक है, और इसमें आर्थोप्लास्टी क्या होता है, करा ओपन हार्ट सर्जरी, नहीं ये हार्ट से संबंधित नहीं है, गुर्दा प्रत्यारोपण नहीं दोस्तों, ये जो पैर के कूल्हे होते हैं ना, इस कूल्हे का दोस्तों प्रत्यारोपण किया जाता है। ठीक है, प्रतिस्थापन किया जाता है। ठीक है, याद रखेगा प्रतिस्थापन, यानी उसका जोड़ जो होता है दोस्तों एक स्थान से चेंज करके दूसरा क्या जाता है, ये इसे आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 याद रखेगा दोस्तों, ये यहां पर क्या हो जाएगा आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करा प्रत्यस्थ ऊतक, प्रत्यस्थ देखिए कहा जाता है इलास्टिक को, ऊतक कहा जाता है टिश्यू को। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कोशिका को मिला करके ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, तो लिख रहा है जो टिश्यू होते हैं ये हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं। अगर मैं दोस्तों यहीं इस वाली हड्डी की बात करूं तो आपको पता होगा दोस्तों इस तरह से कब्जा होता है और इसमें हाथ घूम रहा होता है ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसे पकड़ा होता है, याद रखेगा ये मजबूत लीगामेंट होता है, ये लीगामेंट इसे स्नायु कहते हैं, जो इसे जकड़ कर रखे होता है और भागने नहीं देता। ठीक है, जैसे कुल्हा यहां से जुड़ा हुआ ना, तो यहां भी लीगामेंट है, यहां भी लीगामेंट है, बहुत सारे लीगामेंट शरीर में बने होते हैं, तो इसी से हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं दोस्तों, तो पहला वाला उत्तर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, लिख रहा आर्थोपोडा के शरीर में रुधिर हो सकता है, कैसे हो सकता है दोस्तों, ये आर्थोपोडा श्रेणी के जितने भी जीव होते हैं, कर जैसा मानव होता है इससे नहीं है, धमनियों सिराओं में नहीं, याद रखेगा उसमें धमनी सिरा से कोई मतलब नहीं है, ये खुले तंत्र में दोस्तों उनके खून बहते रहते हैं, आर्थ्रोपोडा की निशानियां हैं। क्या है, आर्थ्रोपोडा जीव जो होते हैं दोस्तों, इस वर्ग के जो जीव होते हैं उनके शरीर में जो ब्लड होता है ये खुले तंत्र में बहता है, याद रखिएगा खुले तंत्र में बहता है। ठीक है, और हमारे यहां बंद तंत्र में चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 यहां पर क्या कर लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है टीएसएच हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि से निकलती है दोस्तों टीएसएच, तो आपने कभी अगर थायराइड टेस्ट कराया होगा तो वहां पे आपका टीएसएच टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, टीएसएच, क्यों, क्योंकि थायराइड ग्लैंड दोस्तों यही टीएसएच निकालती है, तो ये ग्लैंड क्या करता है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, तो टीएसएच यहीं पर मापन किया जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। यकृत से कोई संबंध नहीं है, अग्न्याशय से नहीं, और पैरा थायराइड भी कोई चीज नहीं दोस्तों, थायराइड याद रखेगा दोस्तों। छोटा छोटा मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, बहुत छोटे छोटे स्तर का सवाल पूछ रहा हूं, वैसे बायोलॉजी के सवाल अभी मैं कुछ नए बना रहा हूं, अगले सेशन में दोस्तों बायोलॉजी के सवाल मैं आपको कुछ नए नए सवाल लेकर आऊंगा। करा लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ये हार्मोन निकलते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड से, किससे निकलते हैं दोस्तों, एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, तो इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, लड़ो और उड़ो, ठीक है याद रखिएगा। और थायराइड के बारे में आपको बता दिया, लीवर आप जानते हैं दोस्तों, लीवर, ठीक है लीवर आप जानते हैं। ठीक है, क्या हुआ बताइए, चलिए बहुत बढ़िया, उत्तर भी देखना पड़ता है आप सभी का, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ये सभी सिंपल सिंपल सवाल है, मुझे मतलब लगता है कि यार यहां बहुत ज्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन, कौन नहीं जानता, एरोटा होता है। ठीक है, एरोटा को शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहते हैं। अब बच्चे अनायास का यहां फुसफुसी धमनी करते हैं, भाई क्या लेना हमसे। ठीक है, तो आप समझिए चीजों को, ठीक है आप समझिए चीजों को और सही करिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एरोटा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीशियम की कमी से दोस्तों होने वाला रोग कौन सा होता है, तो देखिए
मैग्नीशियम की कमी से मार्स रोग होता है। कौन सा होता है? मार्स रोग होता है। खैरा टिक्का और टुंडू मत करेगा दोस्तों, मैग्नीशियम पूछ रहा है, मैग्नीशियम यानी एमजी, इसकी कमी से दोस्तों मार्स रोग होता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, आइए मिलान करते हैं दोस्तों। मिलान करने लिख रहा है टाइलिन, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है दोस्तों, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है दोस्तों, यह स्टार्च को पचाता है। ठीक है, लार में पाया जाता है, लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, स्टार्च को पचाने में यह सहायक होता है। पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, पेप्सिन याद रखेगा वसाओं को जल अपघटित करता है। ठीक है, जो आपके वो होते हैं फैटी आइटम होते हैं उनको अपघटित करने का काम करता है। ठीक है, रेनिन क्या करता है दोस्तों, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, रेनिन क्या करता है दोस्तों, रेनिन रक्त में एंजियोटेसिनोजेस को दोस्तों बदलता है एंजियोटेसिन में। ठीक है, याद रखेगा। और ऑक्सीटोसिन याद रखेगा, ये दूध से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वसाओं को जल में अपघटित करना, नहीं ये तो हो गया ना, ठीक है, ये आपका डबल हो गया लगता है। याद रखेगा दोस्तों, मिश्रण पेशियों को सिकुड़न प्रेरित करता है, ये भी करता है, प्लस ऑक्सीटोन की सुई दी जाती है दोस्तों पशुओं को दूध को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो भी याद रखेगा। तो यहां मैच कराएगा, क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा 2, 3, 1 और 5, 2, 3, 1, 5 करेगा, ये आपका सही बनेगा। तो 2, 3, 1, 5 यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए। लिख रहा है विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग, हीनता रोग। हीनता रोग मतलब क्या होता है, कमी से होने वाला रोग। ठीक है, तो विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, याद रखेगा, कौन विटामिन ने लिखा है, विटामिन ए लिख दीजिए यहां पर। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, नेत्र सूखकर लाल होना। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, टोकोफेराल याद रखे दोस्तों, ये विटामिन ई कहा जाता है, ई को कहा जाता है बंध्यता रोग होता है। ठीक है, इसको याद रखेगा, इसको रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा। ठीक है, साइनोकोबालामिन याद रखेगा दोस्तों, ये B12 की बात कर रहा है, B12 की, कोबाल्ट वाले की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये घातक रक्त अल्पता की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और पाइरेडॉक्सिन याद रखेगा, मानसिक व्याधि से संबंधित है। ठीक है, तो क्या बनेगा दोस्तों, बनेगा 3, 4, 1 और 2। तो 3, 4, 1, 2 मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जिसने किया दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा। करण विकृति में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है दोस्तों, आंत के जीवाणुओं द्वारा कौन सा विटामिन। ठीक है, तो याद रखिएगा, विटामिन के जो थक्का बनने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, ब्लड का थक्का इसकी वजह से बनता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसे जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये ऐसा विटामिन है जिसको जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। विटामिन का नाम बताना दोस्तों, तो विटामिन के याद रखिएगा, इसको जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। लिख रहा दोस्तों, रुधिर स्कंदन में दोस्तों कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, रुधिर स्कंदन में यानी ब्लड को क्लॉटिंग करने में दोस्तों, तो याद रखिएगा, विटामिन के प्रभावित होता है। ठीक है, रुधिर स्कंदन में विटामिन के, एक बार दोस्तों इसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें होती, तो मैं तो कह रहा हूं दोस्तों इसको आप हटा ही लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा करके ऑप्शन सही नहीं दे रहा। ठीक है, अब इसमें अंदर के बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को चेंज करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन यहां नहीं दे रहा। जैसे आंत के जो जीवाणु होते हैं ना, ये क्या करते हैं दोस्तों, क्या क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा क्या संश्लेषित होते हैं, यहां संश्लेषित होने वाले किसी न किसी पदार्थ का नाम देना चाहिए, तब जो है दोस्तों इसका उत्तर निकाला जा सकता था। ऐसे में करके क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा लीजिए और इसको आप कर लीजिए। ठीक है, तो